27 सितंबर 1989 कोलंबिया के होने वाला प्रेसिडेंट को मारने के लिए एक बॉम्ब ब्लास्ट की प्लान ठीक किया गया। कोलंबिया की बोगोटा एयरपोर्ट से एक विमान में कोलंबिया के प्रेसिडेंट सीजर गबीरिया को लेकर जाने वाला था। उसी प्लेन में एक लड़का के हाथ में एक एटर्जी देकर भेजा गया। उस लड़के को पता ही नहीं था कि इसके अंदर एक बम है। प्लेन बोगोटा एयरपोर्ट से 7:13 में टेक ऑफ की। टेक ऑफ करने के 5 मिनट बाद ही प्लेन 13,000 फीट ऊंचाई में पहुंच जाती है। तभी वो लड़का एटर्जी खोल के एक बटन दबाते ही पूरा प्लेन ब्लास्ट कर जाती है। प्लेन के अंदर मौजूद 107 पैसेंजर सह क्रू मेंबर सभी देहांत हो जाती है। इस खबर से पूरा कोलंबिया की सरकार हिल जाती है और ये बम ब्लास्ट जिसने करवाया था वो था 1983 का ड्रग्स माफिया पाब्लो एस्कोबार। पाब्लो एस्कोबार अभी तक दुनिया की सबसे बड़ा ड्रग्स माफिया, उसकी तरह दूसरा कोई नहीं बन पाया। पाब्लो एस्कोबार ड्रग्स सेल करके एक दिन में 400 करोड़ प्रॉफिट करता था। एस्कोबार एक ऐसा माफिया था जिसके सामने कोलंबिया की सरकार भी झुक गया था। एक ऐसा माफिया था जो कोलंबिया के छोटे छोटे बच्चों को भी अपना सेना बना लिया था। बच्चों के हाथ में ऑटोमेटिक गन दे दिया था, बच्चों के हाथ में सैटेलाइट टेलीफोन दे दिया था। पाब्लो एस्कोबार हर गोली की बच्चों को थोड़ा पैसा की लालच दिखा के अपने साथ कर लिया था। पुलिस जब भी थाने से निकलती थी पाब्लो के पास खबर चली जाती थी। पाब्लो की बुद्धि बहुत ही तेज था। पूरी अमेरिका की एजेंसी पाब्लो के पीछे पड़ गया था, फिर भी पाब्लो को पकड़ने के लिए 5 साल लग गया था। पाब्लो के पास इतना पैसा था कि उसे बांधने के लिए महीने में 2 लाख की गाटर खरीदना पड़ता था। ए पाब्लो एस्कोबार अपना जिंदगी में 4,000 से 5,000 लोगों को मारा। ए पाब्लो एस्कोबार 1,000 पुलिस ऑफिसर को मारा, 200 जज मारा। अगर पाब्लो के खिलाफ कोई आता तो उसे दुनिया से गायब करवा देता। पाब्लो हर किसी को खरीद लेता था, पुलिस ऑफिसर से लेकर जज तक सबको खरीद लेता था। पाब्लो अपने खिलाफ सबूत को गायब करवाने के लिए कोलंबिया की सुप्रीम कोर्ट ही गायब करवा दिया था। तो ये पाब्लो एस्कोबार कौन था, कैसे दुनिया की सबसे बड़ा ड्रग्स माफिया किंग बन गया था, अब जान पाओगे आज की इस वीडियो में। पाब्लो एस्कोबार की जन्म 1 दिसंबर 1949 कोलंबिया में हुआ था। उनका पिता एक गरीब किसान था। फैमिली में हार्ड टाइम पैसा की दिक्कत थी, इसलिए पाब्लो एस्कोबार कम उम्र में ही पैसा कमाने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। उसने पैसा कमाने के लिए छोटे मोटे चोरी सेंटर करना शुरू कर दिया था। उसका लक्ष्य मिलीनियर बनना था। अगर वो 22 वर्ष के अंदर करोड़पति ना बन सका तो अपने आप को गोली मार देगी। इतना बड़ी रकम को कमाने के लिए वो और भी बड़ा बड़ा क्राइम करने लगा। किडनैपिंग, मर्डर, सेंटाई, ड्रग्स डिलीवरी की जैसा खतरनाक काम करना शुरू कर दिया था। पाब्लो एस्कोबार हर काम इतना परफेक्ट करता था कि पुलिस उसे कभी भी पकड़ नहीं पाती थी। पाब्लो को पता चलता कि ड्रग्स के कारोबार उसे कम टाइम में मिलियनेयर बना देगा और यहाँ से कुकिंग हिस्ट्री का एक नया चैप्टर शुरू होता है। पाब्लो एस्कोबार कुकिंग का एक साम्राज्य बनाया था। पूरी दुनिया में 90% ड्रग्स पाब्लो एस्कोबार एक्सपोर्ट करता था। कोलंबिया के हर प्रोडक्ट के अंदर कुकिंग छुपा के एक्सपोर्ट किया जाता था। मछली की पेट में, कार की टायर में, प्लेन की टायर में, गैस सिलेंडर, जूते, प्लास्टिक पाइप, हर जगह पे ड्रग्स छुपा के एक्सपोर्ट किया जाता था। इस खतरनाक नेटवर्क बहामास द्वीप से कंट्रोल किया जाता था। पाब्लो एस्कोबार इस द्वीप में एक पूरा शहर बनाया था। इस जंगल के अंदर ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री बनाया गया था। इस फैक्ट्री में हर हफ्ता 10,000 केजी ड्रग्स बनाया जाता था। 1 केजी ड्रग्स की कीमत $50,000 था। एक साल में पाब्लो एस्कोबार सिर्फ अमेरिका में $300 बिलियन की ड्रग्स सेल करती थी। अमेरिका की एजेंसी एक दिन नोटिस किया कि बहुत सारा डॉलर कोलंबिया जा रही है। जब इंक्वायरी की तो पता चला कोलंबिया से बड़ी मात्रा में ड्रग्स अमेरिका आ रही है। अमेरिका की डीए एजेंसी एक्टिव हो जाती है। कोलंबिया की सरकार और डीए मिलकर पाब्लो एस्कोबार की नेटवर्क को खत्म करने की मिशन शुरू करती है और यहाँ से शुरू होता है पाब्लो एस्कोबार के साथ कोलंबिया सरकार की संघर्ष। पाब्लो एस्कोबार के पास 800 से भी ज्यादा घर थे। पुलिस से बचने के लिए कॉप कहाँ रहती थी वो किसी को पता नहीं चलता। उसका नेटवर्क पूरा शहर में था। पुलिस जब भी थाने से निकलती थी पाब्लो के पास खबर चली जाती थी। पाब्लो के पास प्राइवेट हेलीकॉप्टर, प्राइवेट प्लेन था। कभी कभार पुलिस को पता चल जाता था कि पाब्लो एस्कोबार कहाँ पे है, लेकिन पुलिस पकड़ने से पहले ही पाब्लो हेलीकॉप्टर से भाग जाता था।
जब जब पुलिस पाब्लो पर अटैक करती थी तब तब पाब्लो भी पुलिस पर अटैक करती थी। पाब्लो लोगों को मार के उसे सजा के फोटो खींच के अखबार में छपाती थी। पाब्लो एस्कोबार कोलंबिया सरकार को चुनौती देती थी। एक दिन पाब्लो ने फैसला किया कि वो कोलंबिया सरकार को पूरा कंट्रोल करेगी, इसलिए वो इलेक्शन में खड़ा हो गई। वो चुनाव जीतने के लिए गरीबों की घर बना दिया था, गरीब लोगों को ढेर सारा पैसा दिया था। कोलंबिया के लोग पाब्लो को गरीबों की मसीहा कहती थी। कोलंबिया के आम लोगों को पता ही नहीं था कि पाब्लो एक ड्रग्स माफिया है। पाब्लो एस्कोबार की पॉपुलरिटी देखते हुए विपक्ष दलों ने पाब्लो के खिलाफ कुछ गैर कानूनी बयान पेश की। पाब्लो के खिलाफ कोलंबिया की सुप्रीम कोर्ट में कुछ सबूत पेश की, इसलिए पाब्लो कोलंबिया की नेता नहीं बन पाए। पाब्लो एस्कोबार अपने खिलाफ सबूत को मिटाने के लिए कोलंबिया की सुप्रीम कोर्ट को पूरा जला दिया था। कोलंबिया की होने वाला प्रेसिडेंट को मारने के लिए पाब्लो ने प्लेन में बम ब्लास्ट करवाया था। पाब्लो की दहशत इतना बढ़ गया था कि कोलंबिया सरकार को पीछे हटना पड़ा था। पाब्लो सरकार के साथ एक चुक्ति करती है कि वो जेल में जाएगा, लेकिन खुद का बनाई हुई जेल में। पाब्लो ने जेल के अंदर फुटबॉल मार्ट, स्विमिंग पूल, कैसिनो के साथ एक आलीशान जेल बनाया था। पाब्लो ने उस जेल के अंदर हर लग्जरी सुविधा का निर्माण किया था। सरकार ने पाब्लो के साथ एक समझौता किया था कि जेल की 5 किलोमीटर दायरे में कोई पुलिस ऑफिसर नहीं मिलेगा, लेकिन पाब्लो ने जेल के अंदर से ही अपना ड्रग्स की कारोबार जारी रखा था। कोलंबिया सरकार पाब्लो की ये हरकत और झेल नहीं पा रहा था। कोलंबिया सरकार पाब्लो को अरेस्ट करने की फैसला किया, लेकिन पाब्लो उसकी जेल से भाग जाने में कामयाब हो जाता है। कई महीना तलाश के बाद पुलिस को पाब्लो एस्कोबार की फोन नंबर मिल जाता है। पुलिस नंबर को ट्रेस करके पाब्लो एस्कोबार की लोकेशन जान जाती है। 2 दिसंबर 1993 पुलिस पाब्लो एस्कोबार को इनकाउंटर कर देती है। पाब्लो एस्कोबार आज मारा जा चुकी है, लेकिन उसके लिए हजारों लोगों को जान चले गई। उसके कारण छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स एडिक्टेड हो गई। पाब्लो एस्कोबार हजारों निर्दोष लोगों को मारा था। भले ही आज पाब्लो एस्कोबार जैसा बड़े बड़े ड्रग्स डीलर नहीं है, लेकिन छोटे मोटे ड्रग्स डीलर अभी भी है, जिसके लिए हजारों लाइफ जा रही है। आज की वीडियो इतना ही। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना।